हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो कृषि से रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड, स्वस्थता से रिलेटेड, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ, एग्रीकल्चर में वर्क करता हूँ, इसीलिए ज़्यादातर मैं एग्रीकल्चर से ही बात करूँगा। सबसे मेन जो पॉइंट है, आज सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आप कहीं भी यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करेंगे तो ये सबसे बड़ा आज जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग है, इसको हम कम कर सकते हैं। ये संभव है, ऐसा नहीं है कि इसको हम कम नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें मेहनत करना होगा, कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा, फिर जा कर के इसको हम आराम से कम कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या एक और है कि हम सभी लोग तरह तरह के बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में 80% से अधिक बीमारी जो है खान पान की वजह से ही होता है, और आज जो हम अनाज के रूप में खा रहे हैं वो खाना नहीं खा रहे हैं, एक खाना के रूप में एक जहर को हम खा रहे हैं जिसको मीठा जहर कहता है, स्वीट पॉइजन कहा जाता है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए आज एक और बात मैं बताने वाला हूँ कि हमारे देश में स्वच्छता को लेकर के बहुत सारे अभियान भी चलाया गया है, लेकिन इसका रिजल्ट अभी सामने नहीं आया है। कचरा इतना अधिक हो रहा है कि जिससे तरह तरह का बीमारी से हम लोग, कचरा के कारण से ही बहुत सारे बीमारी से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो इन सारे चीज़ को के ऊपर काम करने के लिए हमने एक मिशन स्टार्ट किया है, जिस मिशन का नाम दिया है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो आप सभी लोग इस मिशन से जुड़े और हमारे इस मिशन में सहयोग करें और अपने देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में हम सभी साथ आएं, एकजुट होकर के अपने देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं और एग्रीकल्चर में किसान को समृद्ध बनाएं। किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो हम सभी के लिए, चाहे आप कुछ भी कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे, हम सभी लोग के लिए अन्न पैदा करते हैं। लेकिन आज हम सभी लोग की उसी काम को थोड़ा सा, हमारे नज़र में हम उस काम को थोड़ा नीचा समझते हैं। कृषि भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है, फिर भी हम सभी लोग पढ़े लिखे युवा कृषि से इंटरेस्टेड नहीं है। भारत के अलावा बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे किसान, हर किसान चाहते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है या मेरा जो बेटा है आगे चल के किसान बने, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे किसान ये नहीं सोचते हैं कि मेरा भी बेटा किसान बने, क्योंकि आज कृषि में जो बेनिफिट होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। इन सारे चीज़ को देखते हुए कृषि में एक नई क्रांति, युवा क्रांति को लाने के लिए हम सबको एक साथ मिल कर के कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आप सभी को लगे कि नहीं करना चाहिए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर से हमारे हौसला और बुलंद होगी और हमें लगे कि नहीं, हमारे भाइयों का सहयोग मिल रहा है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी लोग आगे बढ़ के भारत को सशक्त बनाए, समृद्ध बनाए, भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाए।